नवसारी इस्कोन मंदिर द्वारा हिंदू पंचांग मुजब भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा आयोजन कर नवसारी इस्कोन मंदिर थी निकलेली रथयात्रा में भगवान जगन्नाथ भाई बलराम अने बहन सुभद्रा की प्रतिमा ने बिराजमान करवामां आवी हती। ज्यारे आ रथयात्रा में इस्कोन मंदिर भक्तजनों हरे राम हरे कृष्णना नारा लगावी रथयात्रा ने नगरचर्या करावी हती। आ रथयात्रा ने जोवा माटे मार्गो पर हजारों की संख्या में भाविक भक्तों उमटी पड़ा था। यात्रा का आयोजन ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, जैसा कि जगन्नाथपुरी में हर साल होती है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रस्थान आंदोलन की तरफ से श्री प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने हर हर ग्राम नगर में ये रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसके माध्यम से लोगों को जगन्नाथ भगवान की महिमा का पता चल सके, उनके अपने स्रोत का पता चल सके। हम लोग इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं, उस भटकने की जगह हम लोग भगवान की शरण लेकर के भगवत धाम जाएं, और इस भौतिक जगत में जो सारे दुख संताप परेशानी है उसका मूल है कि हम भगवान के साथ हमारा संबंध को भूल गए। उस संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए ये रथयात्रा महोत्सव है, जिसमें पुस्तक वितरण होगा, हमारे भगवत गीता रामायण ग्रंथों का प्रचार होगा, सबको भगवान का प्रसाद मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा और भगवान का नाम श्रवण करने को मिलेगा, जो इस कलयुग का युग धर्म है। कितने लोग जुड़ेंगे, कौन सी झांकियां? इस रथयात्रा में हजार से भी ऊपर लोग जुड़ेंगे, और यहाँ पर सबसे आगे हमारी वैदिक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली झांकी है, सादा जीवन उच्च विचार, उसके उपरांत फिर केरला से आए हुए महाभारत के लीला को प्रदर्शित करने वाली झांकियाँ हैं, और सबके लिए प्रसाद वितरण है, और हरिनाम संकीर्तन और भगवान जगन्नाथ।